मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आप समझ ही चुके होंगे कि हमने उसमें डिस्कस किया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में जो है विजन आईएएस का जो है जीएस का मटेरियल देखने वाले हैं, और ये हिंदी में है। तो दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूँ कि आपके माइंड में ये चल सकता है कि ये मटेरियल कैसे मंगाएं। आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। तो उससे पहले ही मैं आपको बता दूँ कि इस मटेरियल को आप घर बैठे मंगा सकते हैं दिल्ली से, और मंगाने के लिए आप इस नंबर पर जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, नालंदा फोटो स्टेट, और मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया गया है। और अगर इनका ये भी नहीं लगता है तो इनका एक कार्ड इन्होंने इसके साथ भेजा है, वो है ये नालंदा फोटो स्टेट, और इसमें दो मोबाइल नंबर दिए गए हैं ऊपर की साइड में, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है IAS, PCS, SSC, बैंक PU, IES, नेट, गेट, ऑल स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल। कहने का मतलब ये है कि इनकी शॉप पर जो है UPSC की टेस्ट सीरीज़, प्री मेंस का पूरा सिलेबस, रेफरेंस बुक और भी किताबें, या ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ की बात हो वो भी यहाँ पर मिल जाती हैं, या फिर ऑप्शनल पेपर की बात हो वो भी मिल जाता है। तो इस नंबर पर आप जो है, इन नंबर्स पे जो है आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इनसे, और ये मटेरियल्स को आप अपने घर बैठे मंगा सकते हैं। और ये बता देंगे कि किस टाइप से पेमेंट करना है इन्हें, और क्या क्या कोरियर चार्ज लगेगा, क्या नोट्स की फ़ीस होगी, चाहे आप दृष्टि का मंगाएं, विजन का मंगाएं, बाजीराव का मंगाएं, किसी भी कोचिंग संस्थान का मंगा सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैं बता दूं, ये विजन आईएएस का अपडेटेड न्यू वाला जो है नोट्स का कोर्स है, और ये UPSC या UPPCS या किसी भी PCS एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी हो सकता है, लेकिन ये जो मुख्य रूप से डिज़ाइन किया गया है ये UPSC के लिए डिज़ाइन किया गया है, और ये PCS में भी हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका पहला पेपर। जो पहला पेपर है वो ये है। तो इसमें पहले पेपर में तीन चार चीज़ें शामिल की जाती हैं, काफ़ी बड़ा हो जाता है, और बाकी जो पेपर हैं इससे छोटे छोटे हैं, क्योंकि इसमें आधुनिक भारत, भूगोल, विश्व भूगोल, आर्ट एंड कल्चर और भी चीज़ें दो की जाती हैं। तो चलिए हम इस पर नज़र डालते हैं। तो ये है पहला, आधुनिक भारत का इतिहास, और पार्ट वन पार्ट टू करके। तो इसे हम देखते हैं। तो इसे देखने के लिए हम इसे करते हैं एक साइड, और ये जो आप देख रहे हैं ये आधुनिक भारत का इतिहास, इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं, जैसे 18वीं सदी का भारत, भारतीय पुनर्जागरण, सुधार आंदोलन, अंग्रेज़ों के विरुद्ध प्रारंभिक विद्रोह, 1857 का विद्रोह, इस टाइप से ये जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसका पोर्शन यहाँ पर कवर किया गया है। और इसमें आप देखेंगे तो इसके अगर अंदर की बात देखें तो यहाँ पर कुछ तस्वीरों के साथ भी चीज़ों को रोचक बनाने की कोशिश की गई है। और इसका फॉर्मेट अगर समझें तो फॉर्मेट इस टाइप का है, आप देख लें कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के दोस्त, तो इस टाइप से मेंस के हिसाब से और प्री के हिसाब से, ये दोनों के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। तो ये तो हो गया इसका पार्ट वन, और ये है पार्ट टू। तो पार्ट टू में आप देखेंगे गांधी युग की शुरुआत भाग वन, गांधी युग की शुरुआत भाग दो, इस टाइप से 1940 से 1945 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और ये सारी चीज़ें आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इसमें है क्या, क्योंकि UPSC का सिलेबस ही काफ़ी बड़ा होता है, तो उस हिसाब से डिज़ाइन चीज़ें की गई हैं। और किसी भी कोचिंग संस्थान के नोट्स मंगाने में यही फ़ायदा रहता है कि उन लोगों ने सिलेबस को जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है डिज़ाइन किया गया होता है। तो अब हम देखते हैं भूगोल, भूगोल का पार्ट वन, ये भूगोल जो है चार पार्टों में उन्होंने डिवाइड किया है विजन IAS कोचिंग वालों ने। तो इसमें देख सकते हैं ब्रह्मांड एवं सौर मंडल, हमारी पृथ्वी एक परिचय, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये सारी चीज़ें आप रोक कर पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इसे एक एक चीज़ पढ़ता रहूँगा तो वीडियो इतना लंबा हो जाएगा कि इसे देखने में आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, मुझे भी। तो फिर ये आप देखेंगे तो इसके अंदर चीज़ों को फिगर बनाए गए हैं जगह जगह, और ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं इसमें किस टाइप का है। तो इसे रखते हैं एक साइड हम, और फिर ये भाग दो, भाग दो में ये सारी चीज़ें देख सकते हैं आप क्या क्या है इसमें। और ये आप देख ही सकते हैं कि नालंदा फोटो स्टेट, मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया गया है, मैं पहले भी कार्ड में आपको दिखा चुका हूँ, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। और फिर ये भाग तीन आ जाता है, तो भारत, जलवायु, मृदा एवं वनस्पति, ये सारी चीज़ें हैं। तो
इसमें ये फिगर जो आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि फिगर जो है एनसीईआरटी से लिए गए हैं। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि एनसीईआरटी से लिए गए हैं। एनसीईआरटी तो कितना ज़रूरी होती हैं आप समझ ही चुके होंगे, अगर आपने थोड़ा पढ़ा होगा इसके बारे में तो। अगर आपने नहीं पढ़ा है, आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि एनसीईआरटी कितनी ज़रूरी होती है इसके लिए। तो ये भाग चार है और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो फिर हम आते हैं विश्व इतिहास पर। विश्व इतिहास ये है इसका भाग वन, भाग दो। तो भाग वन में ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं और इसका अगर देखें तो आप देख पाएंगे सामंतवाद, चर्च, परिवर्तनशील समय, आधुनिक युग, वैश्विक सप्तवर्षीय युग, अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन के युद्ध, ये सारी चीज़ें आप देख पाएंगे इसमें मिलेंगी। ये पतला है काफ़ी और ये थोड़ा सा इससे मोटा है। तो ये भाग दो है और भाग दो में आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें हैं और फिर इसके अंदर कंटेंट है और ये आप देख सकते हैं फिगर जो है, मतलब चित्र एक टाइप से इसमें दिए गए हैं। और यहाँ पर हर नोट्स में मतलब ये दिया गया है कि यहाँ पर जगह दी गई है, जिससे कि आप कोई भी पॉइंट आउट करना चाहें तो पॉइंट आउट लिख सकते हैं। और फिर इसमें आता है अगला पोर्शन आर्ट एंड कल्चर का। आर्ट एंड कल्चर में भाग वन भाग दो करके यहाँ पर दिया गया है और इसमें इंडिया के आर्ट और कल्चर के बारे में यहाँ पर दिया गया है कि मुग़ल काल में क्या था, गुप्त काल में क्या था। ये सारी चीज़ें मेंस के हिसाब से ज़रूरी हो जाती हैं और प्री में भी ये काफ़ी ज़रूरी हो जाती हैं, क्योंकि प्री में भी इसमें कभी संगम युग से, कभी बौद्ध धर्म से, कभी जैन धर्म से, ये कभी हड़प्पा सभ्यता से, ये इस टाइप से जो है क्वेश्चंस को पूछ लिया जाता है। और फिर एक पोर्शन आता है आज़ादी के बाद भारत, ये पतला है काफ़ी और इसमें एक दो प्रश्न जो है मेंस में देखने को मिलते हैं इससे। और ये मतलब आज़ादी के बाद से इसमें चीज़ें लगभग हैं, इसमें एक टाइप से इसे वैल्यू एडेड मटेरियल के तौर पर यूज़ किया जाता है मेंस में। तो इसे रखते हैं हम एक साइड। तो ये तो हुआ हमारा पहला पेपर काफ़ी बड़ा है। और अगर हम दूसरे पेपर की बात करें तो दूसरा पेपर जो आता है वो आता है पॉलिटी का। तो पॉलिटी वैसे तो एम लक्ष्मीकांत बताते हैं, लेकिन जब किसी कोचिंग संस्थान पर आप जाते हैं, मतलब किसी कोचिंग संस्थान का मटेरियल खरीदते हैं तो उनका अलग अलग होता है। तो इनने भाग वन, भाग टू और भाग थ्री करके यहाँ पर डिवाइड किया है, शायद भाग चार भी है। हाँ, भाग चार भी है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये सारी चीज़ें जो अगर आपने एम लक्ष्मीकांत पढ़ा होगा, क्योंकि एम लक्ष्मीकांत जो काफ़ी प्रसिद्ध बुक है और इसमें इन्होंने अपने टाइप से चीज़ों को डिज़ाइन किया है। तो ये है इसका सेकंड पेपर का भाग वन और फिर ये भाग दो है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि इन्हें DPSP कहते हैं। और ये सारी चीज़ें आप देखेंगे इसमें और फॉर्मेट तो सेम ही है लगभग इनका, जो हर उसमें है कि आप पढ़ सकते हैं। देखें तो यहाँ पर राज्य विधानमंडल के पीठासीन अधिकारी, ये सारी चीज़ें आप पॉलिटी एक दो तीन बार पढ़ लेते हैं तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आने लगती हैं कि राजनीति कैसे चलती है, क्या राष्ट्रपति, क्या प्रधानमंत्री, कैसे न्यायालय काम करते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो ये भाग तीन है इसका और भाग चार जो है इसका काफ़ी पतला है। तो ये हुआ इसका सेकेंड पेपर। और सेकेंड पेपर में और भी टॉपिक्स जो हैं कवर होते हैं, वो हम और किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें हम चूँकि ये मटेरियल देख रहे हैं तो इसे रखते हैं एक साइड। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप ख़रीदना चाहें तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में इनके नंबर भी दे दूंगा और कार्ड का मैंने नंबर पहले भी दिखाए हुए हैं, तो वहां से आप जो कॉल कर सकते हैं इन्हें। और या फिर अभी मैं आपको दिखाता हूं, ये है कार्ड इनका, और नंबर नोट करना चाहें तो इनका नंबर नोट कर सकते हैं अगर आपको मटेरियल पसंद आया तो। और इन पर कॉल करके जो है आप ये मंगा सकते हैं, इसका मंगा सकते हैं, दृष्टि का मंगा सकते हैं, या फिर बाजीराव किसी का भी मंगा सकते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं पेपर थ्री पर। पेपर जो तीन है वो उसमें आती है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में और भी चीज़ें शामिल होती हैं इसके साथ साथ, वो मैं अलग से अभी आपको दिखाने वाला हूँ क्या क्या मटेरियल है। ये जो मोटा मोटा एक टाइप से समझने के लिए आपको कि सरल लगे कि कौन कौन सा मटेरियल शामिल होता है, उस हिसाब से मैंने यहाँ पर व्यवस्थित कर लिया है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था, तो भारतीय अर्थव्यवस्था वैसे तो डायनेमिक और स्टैटिक दोनों ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो स्टैटिक पोर्शन के लिए ये काफ़ी ज़रूरी है।
और डायनामिक के लिए तो करंट अफेयर्स जो हैं आपको ध्यान में रखने ही होते हैं कि RBI की मौद्रिक पॉलिसी क्या है या सरकार की योजनाएं क्या हैं, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो ये स्टैटिक पोर्शन के लिए कि GDP क्या है, मूल्यह्रास क्या है, राष्ट्रीय आय क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो ये आप देख सकते हैं इस टाइप से ये सारी चीज़ें फिगर के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है यहाँ पर। तो ये है भारतीय अर्थव्यवस्था का भाग वन विजन IAS का। इसे कोई कोई कोचिंग एक दो में भी इंटीग्रेटेड रूप से कर देती है, कोई कोई किताब जो है एक ही किताब में इंटीग्रेटेड कर देते हैं, जैसे कि रमेश सिंह है वो एक ही किताब में इंटीग्रेटेड सारा पोर्शन है। तो ये है भाग दो और ये भाग तीन, और फिर ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो ये है भाग दो, भाग तीन और ये साइंस एंड टेक, ये उसका नोट्स है। तो साइंस एंड टेक इसे रखते हैं एक साइड, और साइंस एंड टेक जो है मतलब कई क्षेत्रों में मतलब कई पेपरों में यूज कर लिया जाता है, मेंस के हिसाब से, प्री के हिसाब से अलग अलग। और ये पेपर फोर आता है वो होता है नीति शास्त्र एथिक्स का। तो इसमें इन्होंने दो भाग में डिवाइड किया हुआ है, तो पहला भाग काफ़ी मोटा है और दूसरा बहुत पतला है जो आप देख पा रहे हैं। तो एथिक्स में ये आप देखेंगे कि नीति शास्त्र, मानवीय सहसंबंध, अभिव्यक्ति इसे एप्टीट्यूड कहते हैं, और ये भावनात्मक भावात्मक समझ बुद्धिमत्ता। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ये काफ़ी मोटा है, इसे पढ़ने में काफ़ी समय लगेगा। और दोस्तों मैंने और भी वीडियोज़ जो हैं अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, वहाँ से भी आप वीडियोज़ को देख सकते हैं, उनके लिंक जो हैं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पर भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो ये तो हुए पेपर वन से लेकर पेपर फोर तक। कुछ मटेरियल और भी है इसके साथ, मैं आपको दिखा दूँ। जैसे कि मेंस के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध, क्लास नोट्स, भाग वन, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन, इन्हें IRB कहते हैं। और इसकी कई हर सब्जेक्ट की लगभग हर अलग अलग बुक भी आती हैं, हर कोचिंग के अलग अलग नोट्स होते हैं। जो भी आपको पसंद हो वो आप मंगा सकते हैं। अगर आपको विजन वाला अच्छा लग रहा है तो आप विजन वाला मंगा सकते हैं। आपने कोई दूसरा पढ़ा है या और किसी मटेरियल में इंटरेस्टेड हैं तो वो मंगा सकते हैं। और नंबर तो आपको पता ही है कि ये नंबर यहाँ पर दिया गया है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको नंबर मिल जाएंगे। तो अभी आता है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। तो इसके दो भाग हैं। तो ये प्री में भी जैसे कि NGT के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, तो NGT 2010 में जैसे कि इस्टेब्लिश हुआ था, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। तो NGT मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल उसे कहते हैं, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप पढ़ पाएंगे। तो UPSC का कुछ पैटर्न अलग ही होता है, वनडे एग्ज़ाम का कुछ अलग होता है। यहाँ पर बहुत गहरी समझ होनी चाहिए, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हो, चीज़ों को अच्छे से बार बार रिवाइज़ किया हो, तभी जो है इसका पढ़ने का फ़ायदा निकलता है कि आपने इसे बहुत अच्छे से पढ़ा हो। तो इसे हम रखते हैं एक साइड। और कुछ थोड़ा मटेरियल है वो है ये वाला सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय एक टाइप से ये कई जगह इसमें हम इसे शामिल कर सकते हैं, जैसे कि अगर पॉलिटी में आ गया तो शिक्षा से संबंधित क्या क्या आर्टिकल होते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी चीज़ें हम उसमें कोट कर सकते हैं। जैसे SA में आ गया तो हम उसे कोट कर सकते हैं, एथिक्स में आ गया तो हम उसे कर सकते हैं, या फिर अगर हम हिस्ट्री या भूगोल के बारे में कर रहे हैं तो शिक्षा, स्वास्थ्य वो भी चीज़ वहाँ पर कवर होती हैं, तो उनको भी कोट किया जाता है। तो ये उसके हिसाब से है यहाँ पर। तो ये मेंस के हिसाब से एक टाइप से देख सकते हैं इसे। प्री में इससे प्रश्न पूछा जाएगा, ये संभावना कम रहती है लगभग। तो इसे रखते हैं एक साइड। और ये है आपदा प्रबंधन यानी कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो इसका एक इसमें दिया गया है डिज़ास्टर मैनेजमेंट का, और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में यहाँ पर जैसे कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, और ये जैसे कि केंद्र पर जो है प्रधानमंत्री होता है अध्यक्ष, और राज्य में मुख्यमंत्री, और ज़िले में DM वगैरह होते हैं। तो इस टाइप से यहाँ पर चीज़ों को समझाने की कोशिश की गई है, मैंने पढ़ा थोड़ा सा ये, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी चीज़ें। तो फिर ये है आंतरिक सुरक्षा, इसे कहते हैं इंटरनल सिक्योरिटी, और इसकी भी कई बुकें आती हैं और चैनल पे भी और वीडियोस पड़े हुए हैं। एक वीडियो पड़ा हुआ है इंटरनल सिक्योरिटी का,
तो वो बुक भी अगर आप मंगाना चाहें तो मंगा सकते हैं, इनके यहाँ मिल जाती है वो भी। और विजन का अगर आपको पसंद आए तो विजन का आप मंगा सकते हैं। जैसे संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ, मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका, तो इस टाइप से ये सारी चीज़ इसमें दी गई हैं। जैसे कि तटीय सुरक्षा, कोस्टल सिक्योरिटी, तो इसके बारे में ये सारी चीज़ें यहाँ से आप जब पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कैसे भारत जो है पाकिस्तान के प्रति आक्रामक रहता है और फिर चीन के प्रति कैसे मतलब रक्षात्मक नज़रिया अपनाता है कि चीन से अगर युद्ध होता है तो हमको रक्षा करनी है और पाकिस्तान अगर कुछ करता है तो हमको आक्रामक बन के रहना है, और भारत की जो सेनाएं हैं उनको रखने का औचित्य समझ पाएंगे कि जैसे कि पाकिस्तान है तो उसका अफ़गानिस्तान की साइड से देखेंगे तो उनका युद्ध लगभग ना के समान ही हुआ है, तो भारत की साइड से ज़्यादा होता है, और अगर चीन से भी भारत का युद्ध हुआ था तो उनके औचित्य के बारे में जब आप समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि भारत के लिए सेनाएं रखना क्यों ज़रूरी है और पाकिस्तान क्यों सेनाएं रखता है। तो ये जो नेक्स्ट आता है गवर्नेंस के बारे में, तो यहाँ पर शासन के महत्वपूर्ण आयाम, लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, विकास प्रक्रियाएं तथा विकास उद्योग, गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूह यानी कि विभिन्न समूह व संघों, और ये स्वयं सहायता समूहों को कहते हैं SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो इसके बारे में जब आप देखेंगे तो इसमें पढ़ पाएंगे ये सिविल सेवाओं का विराजनीतिकरण, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप देखेंगे। मैंने इसके अंदर का मेटेरियल दिखाने की बहुत कम कोशिश की है कि क्या क्या है, मेरा मकसद इसमें यही था कि आप देख पाएँ कि कितने नोट्स आते हैं विज़न के, वो यहाँ पर मैंने फोकस किया है। फिर अगला आता है निबंध का, निबंध का GS के अलावा पेपर होता है तो उसका भी यहाँ पर एक दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं भारत में स्वास्थ्य देखभाल, महिला सशक्तिकरण, भारत की सामाजिक सांस्कृतिक विविधता, सोशल मीडिया और उसके दुष्परिणाम, भारत में पर्यटन, भारत में शिक्षा, कृषि, जलवायु परिवर्तन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। और एक जो फॉर्मेट होता है ऐसे का, और जो चीज़ों की ज़रूरत होती है कि कैसे क्या चीज़ कोट करनी है, कैसे चीज़ों को डेटा से संबंधित उसमें देना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर सारे पहलू जो है रखने की कोशिश की गई है। तो हम रखते हैं इसे एक साइड, और फिर भारतीय समाज ये Part 1 और Part 2 ये दो जो हैं लास्ट वाले। तो समाज का हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक और है इसमें, पहले हमने देखा था सामाजिक न्याय है वो, सोशल जस्टिस, ये भारतीय समाज है। तो भारतीय समाज कैसा क्या है, कैसे कास्ट सिस्टम ने कार्य किया है, कैसे जाति प्रथाओं का भारतीय समाज पर प्रभाव पड़ा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप समझ पाएंगे इनसे। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ जो है पसंद आई हो, और यदि आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई हैं और आप ख़रीदना चाहते हैं तो ये जो कार्ड है इस पर नंबर दिए गए हैं, क्योंकि मैं कमेंटों में आप लोगों के जवाब देते देते परेशान रहता हूँ कि इसको हम कैसे मंगाएं, तो इसलिए मैं आपको ये बार बार दिखा रहा हूँ ताकि आप बार बार कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट के माध्यम से ना पूछें। तो आप यहाँ से जो है मंगा सकते हैं, कोई भी पोर्शन आपको पसंद आता है, कोई रेफरेंस बुक, NCERT या इनमें से कुछ भी और भी कोई मटेरियल। और दोस्तों प्ले लिस्ट मैंने एक बनाई हुई है चैनल पर, तो प्ले लिस्ट में जा कर के आप और भी किताबों के वीडियोज़ देख सकते हैं, मैंने कई सारे किताबों के वीडियो डाले हैं, एक ऑप्शनल पेपर का भी वीडियो डाला हुआ है हिंदी साहित्य का, वो भी आप देख सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको ये पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप ऐसे ही वीडियोस अगर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, और ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लेना नोटिफिकेशन के बाद। और दोस्तों बताएं कि आप किस सब्जेक्ट पर वीडियो देखना चाहते हैं, और फिर मैं पूर्ण कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार, बाय बाय। और ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, क्या कमी रही, क्या अच्छा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।